रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई। विपिन नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। विपिन ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात गेट हाउस या होटल में रात बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली में ही बड़बड़ा के उठी। विपिन, तुमसे काम भी ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये पुरानी खटारा बेचकर एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में विपिन बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठा और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे। उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, विपिन तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर विपिन कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली विपिन के सीने से लिपट गई। उस वक्त विपिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँच गए। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को विपिन ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। मिताली दरवाजे को खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी। उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब सी लगी, क्योंकि अंदर से घंटी की कोई भी आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उनने कोई आवाज़ की थी। फिर वे दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही विपिन बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी, ज़रूर कीजिए, फोन ऊपर लास्ट वाले रूम में है। विपिन ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम विपिन है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। विपिन और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी।